Hello friends, I Susant. Welcome you all to class 10 political science chapter number 8. It is the last chapter of this book. The 8th chapter is challenges to democracy. Iska matlab loktantra ki chunautiyan. So before starting the chapter, we'll have an overview of this particular chapter. So let's start. पिछले दो वर्षों में आपने जितना कुछ सीखा उसको आधार मानकर यह अंतिम अध्याय जो लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। जैसे हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। इस अध्याय में इन सवालों के जवाब नहीं हैं, यह उन तरीकों के बारे में सिर्फ कुछ संकेत और इशारे भर सकता है या भर करता है जिनसे हम इन चुनौतियों और सुधारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय आपको खुद अपने तरीके तलाशने और चुनौतियों पर जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढने तथा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण भी देता है। So the first point it is thinking about challenges. चिंतन चुनौतियों का। क्या आपको क्लास 9 की अपनी राजनीति विज्ञान की जो पाठ्यपुस्तक पॉलिटिकल साइंस का जो था पहला अध्याय फर्स्ट चैप्टर याद है? उसमें हमने देखा कि पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ है, हम देखे हैं, पढ़े हैं। उसके बाद की पढ़ाई ने हमारी इस शुरुआती राय को पुष्ट ही किया है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। इससे कोई गंभीर चुनौती नहीं है और न कोई दूसरी शासन प्रणाली इसकी प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हमने विस्तार से चर्चा की तो हमें कुछ अन्य चीजों भी दिखाई दी। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में अभी कहीं भी उन सब का लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसका यह मतलब भी नहीं कि उसके लिए कोई चुनौती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की अपने इस किताबी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर हमने देखा है कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां या चैलेंजेस किसी आम समस्या जैसे नहीं हैं। हम आम तौर पर उन्हीं मुश्किलों को चुनौती कहते हैं जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन जिन पर जीत भी हासिल की जा सकती है। अगर किसी मुश्किल के भीतर ऐसी संभावना है कि उस मुश्किल से छुटकारा मिल सके तो उसे हम चुनौती कहते हैं। एक बार जब हम चुनौती से पार पा लेते हैं तो हम पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती है। आपकी पाठ्यपुस्तक में एक मानचित्र दिया गया था, इसमें 2000 तक की लोकतांत्रिक सरकारों को दिखाया गया था, याद है? ओके सुनो, क्या आपको इस मानचित्र थोड़ा ध्यान से याद कर सकते हो? ओके, तब का यह नक्शा बताता है कि दुनिया के
एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था इसकी तरफ जाने, लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है, जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन चैलेंज, जहां लोकतंत्र नहीं है, लोकतांत्रिक शासन नहीं है, इसको कहते हैं हम फाउंडेशन चैलेंज। इनमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। विस्तार की चुनौती मतलब चैलेंज ऑफ एक्सपांशन, मतलब डेमोक्रेसी है उसके एक्सपांशन, इसको डेवलप करना, एक्सपांड करना, एनहांस करना। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना आदि ऐसी ही चुनौतियां हैं। इसका यह भी मतलब है कि कम से कम ही चीजें लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहने चाहिए। भारत और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में एक अमेरिका जैसे देशों के सामने भी यह चुनौती है। नेक्स्ट, तीसरी चुनौती यह है, पहला चुनौती हम पढ़े फाउंडेशन चैलेंज, सेकंड वाला पढ़े चैलेंजेस ऑफ एक्सपेंशन, अभी तीसरी चुनौती क्या है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की है। इसका मतलब डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डीपनिंग मतलब पूरा रूट लेवल से डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कराना, मजबूत कराना। हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती ही है। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम इस तरह से होना चाहिए कि लोग लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अर्थ और अलग स्वरूप ले लेती हैं। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की जरूरत होती है। क्लास 9 में हम पढ़े और अपनी इस पाठ्यपुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हमने अनेक उदाहरण और कहानियां की मदद से इन चुनौतियों पर गौर किया है। आइए लोकतंत्र की अपनी करें और देखें कि इन पड़ावों पर लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज ऑल अबाउट द डे। वंस अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर ऑफ स्टडीज। थैंक यू।